सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने मंगलवार को सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी थी। अब केंद्र ने बिहार सरकार की ये सिफारिश मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि उन्होंने सुशांत केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। अब इस केस की सीबीआई जांच करेगी। बता दें, लंबे समय से इस केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग हो रही थी। केंद्र सरकार के वकील एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामले की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश मान ली गई है। वहीं रिया चक्रवर्ती के वकील ने शीर्ष अदालत को उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को मौत हो गई थी। उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुशांत की मौत के बाद से हर कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। वहीं एसपी विनय तिवारी के क्वारंटीन का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बुधवार को ट्विटर के जरिए यह जानकारी दी। डीजीपी पांडे ने कहा कि पटना आईजी ने बीएमसी के प्रमुख को एक पत्र लिखा था, जिसमें आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने का विरोध किया गया था। साथ ही उन्हें रिहा करने का अनुरोध किया था। बीएमसी ने पटना पुलिस को इस पत्र का जवाब भेजा है। अब हमारे एसपी विनय तिवारी 14 दिनों के लिए अंदर बंद रहेंगे। बीएमसी का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और अब सबकी निगाहें सीबीआई की जांच पर टिकी है।